हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? हमने पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर हमने पढ़ चुके हैं। कोई भी थिंग है, अगर हम उसका कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि इसके 4 पोर्शन है, 1, 2, 3, 4। तो अगर हम ये कह दें इसका एक पार्ट, तो एक पार्ट इसका कितना होगा? 1। तो कितने पार्ट है टोटल? 1, 2, 3, 4, 4। तो इसकी एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, ऐसे हमारे जो ये नंबर होते हैं फ्रैक्शंस में होते हैं, जो इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो शेडेड पोर्शन है, हमें उनकी फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। जो ये ट्रायंगल है, ये 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट हैं इसके खाली है, और जो 2 पार्ट हैं इनके वो शेडिड है। हमें शेडिड पोर्शन का फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे शेडिड पोर्शन होंगे वो 2 है, 1 और 2। और टोटल पोर्शन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2/4। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रायंगल है जो 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये ट्रायंगल है, ये जो पार्ट बने हुए हैं वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए, यानी कि सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये ट्रायंगल, जिसमें से 2 पोर्शन इसके हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसके शेडेड पोर्शन है, और जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है ये खाली है। तो हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो 4 इक्वली पार्ट में से 2 पोर्शन है जो फिल अप है, शेडिड है, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? जो टोटल पार्ट है इसके 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट हैं, तो हम नीचे 4 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं हम फर्स्ट का। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, जो ये स्क्वेयर डायग्राम है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट को छोड़कर जो 8 पार्ट हैं इसके वो शेडिड है। तो हम इसको लिख सकते हैं, शेडिड पोर्शन है जो फ्रैक्शन होगा, जो इसका शेडिड पोर्शन का वो क्या होगा? 8 शेडिड पार्ट है, तो 8 लिख देंगे। टोटल इसके जो पार्ट हैं वो कितने हैं? 9। तो 8/9 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट का, थर्ड पार्ट, इसमें बोल दी हुई हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोल्स दी हुई हैं जो इक्वली साइज की हैं। इनमें से 1, 2, 3, 4 जो 4 बोल हैं वो शेडिड है, यानी कि हमारा फ्रैक्शन वैल्यू जो शेडिड पोर्शन के लिए क्या होगी? 4 शेडिड है, तो 4 फ्रैक्शन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी 8 है, तो 8 4/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पार्ट में हमें बॉल दी हुई है, या सर्कल कह दो दिया हुआ है, इसमें से जो एक पार्ट है इसका शेडिड है, बाकी 3 पार्ट हैं जो खाली हैं। तो इसके शेडिड पार्ट का
फ्रैक्शन क्या होगा? वन पार्ट शेडेड है तो वन, फ्रैक्शन में टोटल पार्ट फोर है तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो जैसे सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में 10 पेंसिल दी हुई हैं, इसमें सभी शेडेड हैं, तो हमारी शेडेड पोर्शन आएगा 10 अपॉन टोटल पेंसिल हैं 10, 10 ऑन 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका, टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखो कुछ पार्ट शेडेड है और कुछ पार्ट अनशेडेड है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पार्ट हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जैसे ये पार्ट छोटा है, ये बड़ा है, ये और छोटा है, तो ऐसे हम इनको पार्ट को नहीं काउंट करेंगे, ये हम इसको पूरे को 2 पार्ट करेंगे। क्योंकि वन पार्ट हमारा ये है, सेकेंड पार्ट हमारा ये है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं, एक पार्ट शेडेड है और एक पार्ट अनशेडेड है, तो हम इसको 2 पार्ट काउंट करेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है जो शेडेड पोर्शन की, वो क्या होगी? वन पार्ट शेडेड है इसका तो वन लिख लेंगे, फ्रैक्शन में इसके 2 पार्ट टोटल पार्ट है, यानी कि वन शेडेड है, वन बिना शेडेड है, तो 2 लिखेंगे, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, कलर दी पार्ट अकॉर्डिंग टू दी गिवन फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/6, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें डायग्राम दिया होगा इसको कलर करना होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/6, तो इसमें हमें 1 पार्ट है जो वो क्या करना है, कलर करना है 6 पार्ट में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे 6 पार्ट टोटल हैं, तो हम एक पार्ट को यहाँ पर कलर कर देंगे, तो ऐसे हम इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा हम 5th पार्ट देखेंगे, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है 4/9, यानी कि इसके 9 पार्ट टोटल हैं, इनमें से 4 पार्ट को हमें शेडेड करना है, कलर करना है, तो हम किसी भी 4 पार्ट को यहाँ पर शेड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 4 पार्ट को शेड कर दिया 9 में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, आइडेंटिफाई दी एरर इफ एनी। हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है इन डायग्राम में से। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, 3rd का, यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, वन है जो वो खाली है, वो एक को शेड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज 1/2, लेकिन हम देखेंगे कि ट्रायंगल है, ये पार्ट हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है, तो अगर इक्वली पार्ट में डिवाइडेड नहीं है तो हम इसको पोर्शन नहीं मान सकते, कि एक और ये दूसरा पोर्शन, ये ऐसे नहीं मान सकते, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे हम लिख नहीं सकते, तो हमारे ये गलत हो जाएगा। सेकंड पार्ट को देखेंगे, इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पर छोटा पार्ट है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ये भी शेड होता तो हम लिख सकते थे अब 1/2, लेकिन यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो 3rd पार्ट है इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी छोटे बड़े पार्ट हैं, सभी इक्वली डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, ये जो 3 पार्ट शेडेड है ये इक्वली नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का जो आंसर आएगा वो आएगा कि ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड सो दैट शेडेड पार्ट डू नॉट रिप्रेजेंट दी फ्रैक्शन पोर्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। हमारे जो दिन होता है उसका 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन होगा? वन डे में कितने आवर होते हैं? वन डे
इक्वल टू 24 आवर्स। हमें 8 आवर्स का पोर्शन निकालना है, तो हम 8 को ऊपर लिख लेंगे, टोटल हमारे 24 आवर्स होते हैं, तो 24 नीचे लिख लेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा, 8/24 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमें 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालना होगा। हमारा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, वी ऑल नो। हमें फ्रैक्शन निकालना है 40 मिनट्स का, फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स इक्वल टू 40 मिनट्स को हम ऊपर लिख लेंगे, टोटल हमारे पास 60 मिनट्स हैं, तो 60 को हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40/60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर द लंच। आर्य हैज ब्रॉट टू सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। आर्य के पास टू सैंडविचेस हैं, जिनमें से वन वेजिटेबल है एंड वन ऑफ जैम, एक वेजिटेबल का एक जैम का है। दी अदर टू बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग दियर लंच। जो दो बॉयज हैं अभिमन्यु एंड विवेक, वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेज सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविचेज। आर्य है जो अपने दो सैंडविचेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, कैसे शेयर करता है कि सभी के पास इक्वल पार्ट में सैंडविचेज आए, कि वेजिटेबल वाला जो सैंडविचेज है वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होए 3 पार्ट में, और जैम वाला सैंडविच है वो भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होए। तो ए पार्ट दिया हुआ है हमें, हाउ कैन आर्या डिवाइडेड हिज सैंडविचेज सो दैट ईच पर्सन हैव इक्वल शेयर। तो आर्या किस प्रकार सैंडविच को इक्वली शेयर करेगा जो सैंडविचेज है। जैसे हमारे पास ये सैंडविच है, इसके 3 इक्वल पार्ट कर लेगा, ये आर्य का होगा, ये अभिमन्यु का होगा और ये विवेक का होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, आर्य डिवाइडेड दी सैंडविचेज इन इक्वल पार्ट। आर्य है जो डिवाइड करेगा ईच सैंडविचेज, यहाँ पर ईच लिख लेंगे, ईच सैंडविच इन इक्वल पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बी पार्ट दिया हुआ है हमें, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। सैंडविच का कितना पार्ट हर एक बॉय को मिलेगा, तो जैसे आर्य को भी 1 पार्ट मिलेगा, अभिमन्यु को भी और विवेक को भी, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 3। एक पर्सन को कितना मिलेगा, 1 पार्ट, तो बी का आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि हर एक को 1/3 1/3 पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाई दिस ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन ने कितनी ड्रेसेस डाई करनी है, 30।
शी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेज हैं जो फिनिश किए हैं, फिनिश कितने किए हैं, 20 ड्रेसेस, ये टोटल ड्रेसेज हैं उसके पास, ये फिनिश की हुई ड्रेसेज हैं। व्हाट पोर्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज शी फिनिश्ड, हमें फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस बताना है जो उसने फिनिश किए हैं, तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस। जो कंचन ने 20 ड्रेसेस फिनिश किए हैं, हम उसको ऊपर लिख लेंगे, जो हमारी टोटल ड्रेसेज हैं, टोटल कितनी ड्रेसेज थी कंचन की, 30 ड्रेसेज जो उसे फिनिश करनी थी, तो 30 को नीचे लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें 2 to 12, 2 to 12 हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 2 to 12 है हमारे नेचुरल नंबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन निकालना है, इसमें प्राइम नंबर कौन से होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा एंड ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राइम नंबर है, और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल है 11 नंबर, और 5 हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का फ्रैक्शन लेना है तो हम 5 ऊपर लिख लेंगे, तो टोटल नंबर 11 है जो हम नीचे लिख लेंगे, तो 5/11 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि जो सर्कल है इनमें एक्स किन किन में है, यानी कितने फ्रैक्शन में एक्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हो गए, टोटल सर्कल 8, एक्स वाले सर्कल होंगे कितने होंगे, एक्स सर्कल कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 4 रहे जो एक्स वाले सर्कल होंगे, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है एक्स वाले सर्कल का, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल एक्स इन इट, जो एक्स वाले सर्कल है उनका फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स वाले सर्कल कितने हैं, 4, और टोटल सर्कल कितने हैं, 8, तो 4/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 सीडी एंड रिसीव 5 अदर्स एज अ गिफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडी डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ हमें, जो क्रिस्टिन है उसने 3 सीडी बाय की हैं और 5 सीडी उसको गिफ्ट मिली हैं, तो टोटल सीडी कितनी होगी, 8, हमें क्या निकालना है इसमें, फ्रैक्शन ऑफ सीडी सी बाय, कितनी सीडी बाय किया उसने, 3, टोटल सीडी कितनी होगी, 8, तो फ्रैक्शन ऑफ सीडी सी बाय 3/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एंड सेकंड क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ सी डी गिफ्टेड, फ्रैक्शन ऑफ सी डी गिफ्टेड, तो गिफ्टेड कितनी थी, 5। टोटल कितनी है, 8। 5/8, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, फ्रैक्शन ऑफ सी डी सी बाय 3/8 एंड फ्रैक्शन ऑफ सी डी गिफ्टेड 5/8। एंड दिस इज आवर एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।